हाँ जी, क्या हाल चाल? एग्जाम्स आ रहे हैं, बस कुछ ही दिन बच गया है। सो प्लीज मेक श्योर टू गिव योर बेस्ट। आई नो बहुत ही ज्यादा टेंशन फील होता होगा, नर्वसनेस, एंजाइटी, डिप्रेस्ड, बट इट्स ऑल फाइन। सबके साथ होता है। कुछ दिन पहले हम भी यही फील कर रहे थे, बट डोंट फॉरगेट कि आने वाले दिन के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके हो एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट। ये वीडियो कोई भी एक स्टडी व्लॉग या कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ अपडेट है, क्या चल रहा है लाइफ में आप लोगों से बात करने के लिए। एंड इसलिए मैं सोचा कि शूट कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत सारा व्लॉग शूट कर रहा हूँ, लाइक स्टडी व्लॉग शूट कर रहा हूँ एंड वीकेंड में लाइफ शूट कर रहा हूँ। बस एग्जाम खत्म होने दो, मैं लगातार डालने वाला हूँ, क्योंकि यार एक तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता एडिटिंग करने के लिए, बट येट आई मैनेज टू शूट दिस वीडियो, क्योंकि यार मेरे को अपलोड करना था आप सभी लोगों के लिए। कैसी चल रही है प्रेपरेशंस? अगर नहीं भी अच्छा चल रहा है तो प्लीज उसको इम्प्रूव कर लो, सुधार लो, क्योंकि यार अगर नहीं करोगे इस वक्त तो किस वक्त करोगे? बाद में बहुत पछताना होगा। भले जितने भी पढ़ाई हो रहा है, टारगेट्स मीट नहीं कर पा रहे हो, तब भी पढ़ते रहो, तब भी उसको करते रहो, कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो है। सो प्लीज गिव योर फकिंग बेस्ट। एंड टॉकिंग अबाउट माइंड, ठीक ठाक चल रहा है प्रेपरेशन, मतलब काफी अच्छा चल रहा है। रिविजन मेरा स्टार्ट हो चुका है, बस अकाउंट्स का मेरा थोड़ा मोड़ा एक दो चैप्टर रह गया जो कि छोटा मोटा है, कैश बुक ये सब, तो उसको वो फिनिश कर लेंगे हम। बट मेरा चालू हो चुका है रिविजन और काफी ज्यादा अच्छा भी चल रहा है। बट मेरे जो टारगेट्स मैं यहाँ पर बना के दिखा हूँ, मैं उसको मीट नहीं कर पा रहा हूँ, बट इट्स फाइन। कम से कम हम अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं एंड आई एम डूइंग माई 100%। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम लोग सब कुछ अच्छे से निकाल लें इस चीज को, क्योंकि वी हैव वर्कड सो हार्ड फॉर दिस फ्रॉम प्रीवियस मंथ्स, स्लीपलेस नाइट्स, ऑल दोज रटना लॉ का सेक्शन, रटना लॉ का केस लॉ रटना, इट्स ऑल गोइंग टू वर्थ इट जस्ट इन अपकमिंग डेज। सो प्लीज डोंट गिव अप, गिव यू 100% एफर्ट्स। मैं बोलता ऐसे रहा हूँ जैसे मेरे अंदर बहुत आग है। बट अभी जस्ट हम आई इकोनॉमिक पढ़ के उठे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर, एंड काफी ज्यादा अच्छा रहा वो भी मेरा। सो या व्हाट अ डे इन माई लाइफ लुक्स लाइक, जस्ट सिंपल, उठना, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, खाना, नहाना, फिर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और थोड़ा सा ऑफ कोर्स रोना, ब्रेकडाउन, वो तो नॉर्मल है, ये एग्जाम आ रहा है। बट आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ काम कि यार चलो एक एग्जाम सी है, बोर्ड्स की जैसा ही है, एक नया स्कूल मिलेगा, सेंटर मिलेगा, आप जाओ एग्जाम लिख करके आ जाओ एंड दैट्स इट। एक नॉर्मल एग्जाम है, ज्यादा हम लोग को टेंशन नहीं लेना है इस चीज से। एंड एक बहुत ही ज्यादा बैड न्यूज है मेरे लिए, मतलब आप लोगों के लिए नहीं, मेरे ही लिए, कि मेरा बीकॉम ऑनर्स का एग्जाम जो है वो 16 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है, एग्जैक्ट 15 दिन पहले। बट क्या कर सकते हैं, देना तो पड़ेगा ही, एंड ये एक्चुअली कोर सब्जेक्ट है तो हम इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। सो एक बहुत ही ज्यादा बैड और सैड न्यूज है मेरे लिए। मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरा डेट्स कब कब है एग्जाम्स का। सो मेरा पहला पेपर है दिसंबर 16 को, फिर जनवरी 6 को है जो कि ऑफकोर्स मेरा छूट जाएगा, फिर जनवरी 13, 20, 27, 3, 10, तो ये सब है। एंड थैंक गॉड कि जनवरी 6 को जो पेपर है वो इलेक्टिव पेपर है, तो मेरे को उसका ज्यादा टेंशन नहीं लेना, छोड़ देंगे तो उसको अगले साल दे देंगे, बट हम पास हो जाएंगे सेमेस्टर 1, ठीक है। पहला पेपर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। ये क्या है, क्या है, क्या है इसके अंदर कॉन्टेंट, क्या है, क्या पढ़ना है, मुझे खुद को नहीं पता, तो मेरे को उसको अलग से ढूंढना पड़ेगा, ऑफकोर्स एक दिन पहले पढ़ने वाले उस चीज का। एंड सबसे सैड न्यूज ये है कि मेरे को इस एग्जाम के लिए फकिंग दिल्ली जाना पड़ेगा। आई एम एक्साइटेड, बट एग्जाम से कुछ दिन पहले जाना पड़ेगा तो उसमें मेरे 5 दिन बर्बाद हो रहा है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली जाने में 2 दिन लगता है, आने में 2 दिन लग जाएगा, मीन्स 26 आवर्स का होता है। तो ऑफकोर्स वहां जाकर के मेरे को, मैं अपनी आंटी के घर में रहने वाला हूँ वहां पर, सो मैं बस एग्जाम दूंगा उसके, कल होके तुरंत निकल जाऊंगा। सो या दैट्स द प्लान एंड आई होप कि सब कुछ प्लीज अच्छे से चल जाए, बढ़िया से चल जाए भाई साहब। लास्ट मिनट जो, क्योंकि लास्ट जो रिविजन होता है वो ज्यादा इफिशियंट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और डिटेल थोड़ा रखना है मेरे को, तो हम उस चीज के लिए कर रहे हैं। मेरे को 10 दिन मिल जा रहा है लास्ट रिविजन के लिए, सो वो चलेगा। फिर हम वापस से जाएंगे एग्जाम के बाद दिल्ली, वापस से पूरा फरवरी 13 से लेकर के फरवरी 10 तक का रहने वाला हूँ मैं। सो मैं लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लूंगा अपने सीए इंटर प्रिपरेशन के लिए, सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। मतलब बहुत कुछ आने वाला है, बस सिर्फ ये एग्जाम अच्छे से निकल जाए फिर तो यार धन्य हूं मैं। एंड बाय द वे, मैं सारा कुछ व्लॉग कर रहा हूँ, मेरा डे इन माय लाइफ, वीक इन माय लाइफ, मैं अपनी ट्रेन जर्नी जो मैं जाऊंगा 6:14 को यहाँ से निकलूंगा, मैं उसको भी पूरा व्लॉग करने वाला हूँ। एंड इट्स गोइंग टू बी माय फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग सोलो, मे बी अगर पापा जाएंगे तो जाएंगे, उनको कुछ काम पड़ा तो, बट प्रोबेबली सिर्फ मेरा ही टिकट हो रहा है अभी के लिए तो। एंड आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि एक खुद में एक्सपीरियंस होने वाला है, एग्जाम से कुछ दिन पहले दिल्ली जाना, मतलब बहुत मजा आने वाला है उस चीज का भी। सो मैं बोलते हुए बहुत एक्साइटमेंट फील कर रहा हूँ एंड या बहुत ज्यादा अपने को पॉजिटिव रहना है।
ऑल्सो बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं, आई अश्योर यू डेट गेम दिल्ली जाएंगे। एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूंगा, इंटर का प्रिपरेशन करना है, थोड़ा बहुत ऑफकोर्स ट्रैवल भी करूंगा दिल्ली में हो तो सरोजनी नगर तो ऑफकोर्स जाना ही जाना है, फैशन हब जाना है मेरे को, तो थोड़ा ट्रैवल भी कर लूंगा, यहाँ से थोड़ा घूम भी लूंगा क्योंकि मैं बहुत साल के बाद जा रहा हूँ। आई डोंट नो लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू दिल्ली, मतलब उस वक्त पापा का वहाँ काम होता था तो हम लोग उस वक्त गए थे, बट अब तो हम लोग जाते नहीं क्योंकि यहाँ शिफ्ट हो गया है, बट इट्स फाइन फाइन फाइन। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग डेज, बट वी हैव टू गिव आवर बेस्ट टू दीज रिमेनिंग डेज, और ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, प्लीज अच्छे से पढ़ाई करना, लास्ट 1.5 डे को एकदम अच्छे से प्लान पहले से कर लो, आपको क्या पढ़ना है, किस वक्त क्या करना है, उस पर एम्फोसाइज करो सारा, शॉर्ट नोट्स कंसाइज नोट सब कुछ प्रिपेयर करके रखो ताकि वो इतना केओस ना हो एक बड़ा बड़ा बुक से पढ़ने के लिए। मेरे को ट्राई करना उसको जितना डिटेल रख सकूं, कीवर्ड्स को जितना पकड़ सकूं उस वक्त, मैं उतना ट्राई करूंगा उस चीज को करने का, बट नॉनदलेस आपका एफर्ट्स ज्यादा मैटर करता है, सो गिव योर बेस्ट गाइस। तो यार रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, बट मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, मैं भी देखते कब डालूंगा, छोटा मोटा हो सके टाइम मिलेगा तो मैं जरूर डालूंगा उस चीज को। या इतना ही रखते हैं, आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। एग्जाम्स खत्म होने के बाद हम आपसे हर दिन मिलने वाले हैं बैक टू बैक कुछ दिनों के लिए, सो या दैट्स इट एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, आप जरूर अच्छा करोगे, आई नो आपने बहुत मेहनत किया है, सो या दैट्स इट, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, लेट्स क्रैक फाउंडेशन विद अ वेरी गुड स्कोर, बाय।